बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अकरम बाजवा है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी माहिर अमराज जिगर मैदा लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज जामशेद हैदराबाद में काम कर रहा हूँ। आज मैं इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ गर्ड वीक पर। गर्ड क्या है? गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें हमारे मेदे से मुख्तलिफ किस्म की तेजाबियत और खाना रिफ्लक्स होकर खाने की नाली में आ जाता है, और ये इस वजह से होता है कि हमारे खाने की नाली और मैदे के दरमियान जो एक रिंग होती है, स्फिंक्टर होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो नॉर्मल नहीं रहता। ये सबसे बड़ी वजह है, और इसकी वजह से पेशेंट को सीने में जलन, सीने में दर्द, खाने में तकलीफ और बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात वोमिटिंग हो सकती है इस कंडीशन के अंदर। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? अगर हम पेट भरकर खाना खाएंगे तो वो रिफ्लक्स होकर हमारे खाने की नाली में आ जाएगा। हमें खाने के बाद फौरन लेटना और बैठना नहीं चाहिए, 10 मिनट के लिए वॉक करनी चाहिए, और रात को सोने से पहले थोड़ा सा तकिया ऊंचा रखना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। और हमें इसके लिए अगर प्रॉब्लम होता है तो हम नहायत ही एक PPIs देते हैं लोगों को, जिससे तेजाबियत बंद हो जाती है और पेशेंट को बहुत रिलीफ मिल जाता है। अगर किसी ने इस बीमारी का ख्याल नहीं किया और लॉन्ग टर्म के अंदर इस बीमारी की वजह से खाने की नाली का कैंसर भी हो सकता है, खाने की नाली बंद हो सकती है, खाने की नाली में जख्म हो सकते हैं। इस वजह से अगर हमें जो खाने की नाली और बैरेट्स एसोफेगस, जिससे फिर आगे जाके खाने की नाली का कैंसर होता है, ये इसकी बहुत ही खतरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैं ये एक मैसेज दूंगा कि हमें खाना पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। खाने के बाद हमें थोड़ा सा वॉक ज़रूर करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और कढ़ाई फ्राई और तली वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।